शुभ संध्या। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आज दुनिया भर में, देश भर में चारों ओर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है मेंटल इलनेस, मानसिक स्वास्थ्य की। एक के बाद एक लगातार हो रही आत्महत्याओं ने लोगों को झकझोर दिया है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम नहीं है जो मानसिक बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता हो? कौन हार रहा है, क्या है इसकी वजह? आइए देखते हैं स्वतंत्र थिएटर का सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक नाटक, वजह। निर्देशक अभिजीत चौधरी, निर्माता श्री युवराज शाह। इस वर्चुअल लाइफ प्ले फेस्टिवल में इत्तेफाक से आज मेंटल इलनेस पर भाष्य करने वाला एक नाटक, वजह। अरे मेरे भजिए कहाँ रह गए? अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मी भी ना इतनी स्लो है कि रेस ना खेले तो 20 सेकंड आएगी। पीटी उषा, अरे तुम एग्जांपल तो सही दिया करो, मैं तुम्हें कहां से पीटी उषा नजर आता हूँ। अरे कुछ कह रहे हैं ये तो मिल्खा सिंह कहो, मिल्खा सिंह क्यों? बनने में भी 4-5 घंटे लग सकते हैं। अरे 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 मेरी फास्ट एंड फैबुलस वाइफ, मैं तो मजाक कर रहा था। बजिए की डिमांड पर पत्नी ने पति का गला घोटा। ये लीजिए मिल्खा सिंह, आपके भजिए। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। आप दोनों को देखकर लगता नहीं है कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी? आप दोनों शादी से पहले भी ऐसे ही लड़ते थे। हाँ बेटा, एक बार तो इसने मुझे कॉलेज से सस्पेंड करवा दिया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी मम्मी इसी को बनाऊंगा, पर बेटा पूछो मत कितने चक्कर काटे थे। मेरी सहेलियों ने सिफारिश ना की होती ना तो आज तक आप चक्कर काटते रह जाते। अच्छा पापा, अगर मेरी जिंदगी में भी कोई लड़का, हमने ये सब तब किया था जब हम एक स्टेबल स्टेज पर पहुंच चुके थे। तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आई वांट यू टू फोकस ऑन दैट। अगर बायोसाइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे देन हाउ विल यू बी एबल टू सिट फॉर नीट एग्जाम? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम, ओके? जी पापा। अगर जज साहब की इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ जज साहिबा कहिए। ये कोर्ट परी उर्फ पूजा नागर को सजाए चंपी सुनाती है। कोर्ट डिसमिस। चलो यहाँ के बैठो, मैं तुम्हें तेल लगाती हूँ। जी माँ। अगर ऐसी सजा है तो मुझे जेलर नहीं कैदी बनना है। आइए जेलर पापा, आपकी चंपी मैं कर देती हूँ। अजब बात, चंपी तेल मारे।
हेलो ओ क्या बात है, आज सुबह सुबह तैयार? हाँ आज मम्मी के साथ मंदिर जाना है ना इसलिए। अच्छा जी, मंदिर वंदिर पूजा वूजा किस चीज की सिफारिश कर रही है भगवान से, हमें भी बताओ। सिफारिश विफारिश कुछ नहीं, बस हमारा जीवन भर का साथ हो यही मांगने जा रही हूँ। तुम कितनी अच्छी हो सच में, जब भी तुम्हें देखता हूँ तुमसे बात करता हूँ ना तुमसे फिर से एक बार प्यार हो गया। और हाँ हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब पर ये तुम्हारे गालों पर क्या लगा है? किधर? अब कहाँ? ये लेफ्ट साइड, थोड़ा सामने आओ, थोड़ा और सामने। हाँ? आ, 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 थैंक यू। बस थैंक यू तो और क्या? कुछ नहीं, रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गाना डेडिकेट करती हूँ। तू ही चाहत है मेरी, तू ही राहत है मेरी, बस तेरी हो जाऊं मैं, क्या इजाजत है तेरी, बस तेरी ही बात हो, बस तेरा ही साथ हो, मेरे हाथों में सनम, बस तेरा ही हाथ हो, ला 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 ला। ये मेरे लिए बनाया? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। I love you. I love you too. अब बस लगता है कि कब तुम शादी हो जाओ। हो जाओगी, बस शादी होने की देर है, फिर तुम मेरी और मैं तुम्हारा। सच? तुम मुझे शादी करोगे? अरे क्यों नहीं करूंगा, पहले तुम थोड़ी बड़ी तो हो जाओ, फिर शादी भी करेंगे और हनीमून भी। वरुण ये सब बातें मत किया करो, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा नहीं करता, अब ये बताओ मिलने कब आ रही हो? आज नहीं आ सकती, आज मम्मी के साथ मंदिर जा रही हूँ ना। यार ये ना तुम्हारा रोज का है, कभी मम्मी के साथ जाना है, कभी पापा घर पर है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तुम आज मुझसे मिलने आ रही हो तो आ रही हो बस। लेकिन लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें तो पता है मेरे पापा के कितने सारे दोस्त मुझे जानते हैं, किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई नहीं देखेगा, हम बाहर कहीं घूमेंगे ही नहीं, वो मेरा फ्रेंड है ना आकाश, मैं उसके फ्लैट पर जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाओ। तुम भी कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे सभी दोस्त होंगे, मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? अरे तो क्या हुआ, उन सब की भी तो गर्लफ्रेंड्स आती है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तुम्हें क्या? नहीं, मैं ऐसे किसी और के फ्लैट में नहीं आ सकती। अच्छा अब समझा, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। अरे अगर भरोसा नहीं था तो प्यार नहीं करना चाहिए था ना। ठीक है तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, आज के बाद ना मुझसे मिलना ना मुझसे बात करने की कोशिश करना, ठीक है बाय। अरे 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 रुको 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 प्लीज। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी। सच्ची? पक्का? मुच्ची। ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम पहुंचकर मुझे फोन करना। हाँ बाय बाय।
ओहो क्या बात है वरुण भाई, कमरा बड़ा सजाया जा रहा है, ये लाइट खुशबू कुछ खास है क्या भाई? वो पूजा आ रही है। तू नहीं सुधरेगा, कितनी बार बोला इन लड़कियों से दूर रहा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे सुननी नहीं है, अब गिर पकड़े में। क्यों बे, क्या हो गया? देख भाई, ये जो लड़कियां होती है ना, तुम्हें मजबूर बनाती है, बहुत मजबूर। भाई मेरी बात मान ले, इनसे दूर ही रहा कर, पता नहीं कब गले में पट्टा बन जाएगा। अबे बेवड़े, हुआ क्या ये बताना। देख भाई, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। अब मुझे ही देख ले, लड़कियों से दूर रहता हूँ और इसके साथ रहता हूँ, इसलिए बिंदास रहता हूँ। भाई अब भी वक्त है, समझ जा। अरे बेवड़े तू चुप। अबे वरुण, इससे खुद से तो एक पट्टी नहीं, तुझे उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है, चुप कर बेवड़ा कहीं का। अच्छा वरुण, इसकी वो मजनू वाला कांड बताऊं क्या? हाँ बे बताना। अबे एक लड़की थी और ये साला ओ, अप्सरा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, रात भर फोन पर बातें किया करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। पता है, अपने बाप की गाड़ी तक बेच डाली उसे ट्रिप पर ले जाने की, अपनी ट्यूशन की फीस बचा बचा कर उसे बड़ा वाला टेडी बियर दिया ताकि वह आराम से सो सके। साली साली एक दिन मुझे बोलती है, यू डोंट डिजर्व मी, वी डोंट हैव अ फ्यूचर। साला इतना खर्चा किया उस पे, काश कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होता यार। इन्वेस्टमेंट करता तो तू आज अंबानी होता है ना। वरुण तू ये सब छोड़, तू ये बता कि पूजा कौन? वो पूजा नागर। अबे वही, आज कुछ खास होने वाला है। ओहो, अरे भाई पर वो तो 17-18 साल की बच्ची है और तू साला 27 साल का मुस्टंडा, वो तुझसे पट कैसे गई? अबे देख मैं तुझे बताता हूँ, ये जो आजकल की छोटी लड़कियां होती है ना, इन्हें बड़े लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, तू समझ रहा है ना, वो मर्द टाइप। और छोटी इसलिए क्योंकि वो ब्रांड न्यू होती है, अनयूज्ड, एक बार अपना काम हो गया फिर वैलिडिटी खत्म। अबे इसका मतलब तू उससे प्यार व्यार नहीं करता? अरे अरे ये बेल क्यों नहीं बज रहा है? किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऊपर से ये बारिश। फोन करती हूँ। तू बड़ा भोला है रे आकाश। अबे देख ये जो जिंदगी है ना, ये प्यार करने के लिए बहुत छोटी है, मुझे तो बस मजा चाहिए, एक बार अपना काम हो गया फिर खत्म। और वैसे भी कभी तूने उसे गौर से देखा? वो गर्लफ्रेंड टाइप मटेरियल नहीं बे, वो तो बेड टाइप मटेरियल है, बेड टाइप। भाई तू सही कह रहा है, मैं भी उसे जब भी देखता हूँ ना, मेरे दिल के तार बजने लगते हैं भाई। तू बुरा मत मानना भाई प्लीज। अबे इसमें बुरा मानने की क्या बात, देख तू मेरा दोस्त ठीक है, बस आज मेरा काम हो जाने दे, उसके बाद मैं झटकूंगा तो तू लपक लेना। क्या बात कर रहा है भाई, तू ही मेरा भाई है। क्या हुआ यार, कब से ऐसे ही बैठी है? ये ले टॉवेल लेके, पहले पूरा बारिश में भीग चुकी है तू। हाँ बता ना यार पूजा, क्या हुआ? मैं क्या बताऊँ यार, वो वरुण उसने मुझे धोखा दिया। मैं उससे कितना प्यार करती थी यार,
मुझे मुझे पता नहीं था वो इतना घटिया इतना नीचे निकलेगा। वो यूज करना चाहता होगा। यूज करना चाहता होगा? पूजा देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी ही गलती है पूजा, तूने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर तू मान लेती तो अभी ये सब हुआ ही नहीं होता। अब क्या करेगी तू? मुझे नहीं पता सोनाली मैं क्या करूंगी, लेकिन आज मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आ रही है। शायद इससे भी बुरी थी जब मैं छोटी थी उस वक्त। अरे नमस्ते भाभी जी, सब ठीक है ना? इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। अरे नमस्ते शर्मा जी, आइए आइए। बहुत अच्छा किया, कहिए कैसे हो? ये लीजिए आम, मैं बगीचे से लेके आ रहा हूँ, सोचा आप लोगों को भी देता जाऊं। वैसे भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो दरअसल बाजार गए हुए हैं, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। ठीक है भाभी, फिर मैं भी चलता हूँ। अरे शर्मा जी रुकिए तो, मैं भी चाय बनाने ही वाली थी, आप बैठिए मैं बना के लाती हूँ, पीके जाना। ठीक है, आप कह रही हैं तो रुक जाता हूँ, इसी बहाने भाई साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। जी जी जी। अरे पूजा बिटिया, क्या पढ़ रही हो, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं अंकल, वो मैथ्स के सम सॉल्व कर रही थी। अरे वाह क्या बात है, इधर आओ मैं तुझे गणित बनाने में मदद कर देता हूँ। नहीं अंकल आप। अरे रुको 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 रुको, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ अरे जरा दिखाओ मुझे। अंकल आप परेशान मत होइए, ये तो बस हो ही गया। अरे रुको, अरे ये कितना आसान सवाल है, इसे ऐसे बनाते हैं। हाँ ऐसे ही बनाते हैं। तुमने कितने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, ढीले कपड़े पहना करो, काम करने में आसानी होगी। होगी अंकल, बस 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 इतने ही सवाल थे, हो गया इतने ही। थोड़ा और समझ लो। हाँ इस सम को ऐसे सॉल्व करो, हाँ और इसको जरा ऐसे देख लेना और रुको। हाँ बस हो जाएगा। शर्मा जी पी लीजिए चाय। हाँ भाभी। भाभी मैं क्या कह रहा था कि पूजा बिटिया बहुत होशियार है पढ़ने में, अगर उसे गणित बनाने में कोई कठिनाई हो जाए ना तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसकी मदद कर दूंगा। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पूजा बिटिया को जरूर आपके पास भेज देंगे। हाँ भाभी तो फिर मैं भी चलता हूँ भाभी। अरे शर्मा जी रुकिए तो, अभी मैं कचौड़ी बनाने ही वाली थी, बस 2 मिनट में बन जाएगी, आप खा के जाइए। अरे नहीं भाभी मुझे भी लेट हो रहा है, एक काम करता हूँ अब अगली बार मिलते हैं। नमस्ते भाभी। जी 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 नमस्ते। माँ 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 सुनो ना। माँ क्या है जा? माँ वो जो अंकल है ना, उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़ा, मुझे बहुत दर्द हुआ माँ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने उन्होंने मुझे गंदे तरीके से देखा, वो मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे थे और हर जगह हाथ लगाया, वो बहुत बुरे हैं माँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तो नहीं हो गई? अरे अंकल ने बचपन से तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है और बहुत मानते हैं वो तुम्हें, और कितने भले आदमी है वो, कभी कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, और
और उनकी खुद की भी तो दो छोटी छोटी बच्चियां है, भला वो क्यों करेंगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? तुम गलत समझ रही हो। हाँ पूजा बेटा, तुम गलत समझ रही हो। माँ मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मैं 15 साल की हो चुकी हूँ और अब मेरी वो उम्र नहीं है कि वो मुझे अपने गोद में खिलाए। छोटी हो ना, इतनी छोटी सी और पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन के क्या क्या बोलने लगती हो। जाओ भी जाओ, अपनी पढ़ाई करो जाके चुपचाप। ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता रहा और तब तक होता रहा जब तक मैं इन चीजों को समझने लायक नहीं हुई। कई बार तो इतना दर्द होता था, इतनी तकलीफ होती थी कि बाथरूम में जाके नल चालू करके चीखती थी, रोती थी। मैंने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, सभी को बताने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। पूजा मुझे मुझे बहुत दुख हुआ ये सब जानकर, लेकिन यार तू इतना लोड मत लेना, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो हम नहीं बदल सकते ना। और वैसे भी यार तू अकेली थोड़ी है, ये सब तो किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है पूजा, नॉर्मल है ये सब। और तू ना प्लीज अभी ये सब छोड़ ठीक है, हमारी बोर्ड एग्जाम आ रही है, मुझे बोर्ड के लिए पढ़ना है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है ठीक है। और तुझे भी तो पढ़ना होगा ना, तेरे ये अंकल और वो तेरा लोफर बॉयफ्रेंड नहीं आएगा ठीक है तेरे पेपर्स देने, तो ये सब फिजूल की और यहाँ वहाँ की बातें छोड़ ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दे, घर जा और पढ़ाई कर ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द कैरेक्टर्स आर डिफाइंड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जीन्स। अरे पूजा बेटा पढ़ाई कर रही हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ, इसे पी लो। हाँ अच्छे से पढ़ना बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन डॉक्टर जरूर बनो, अच्छे से पढ़ना। हाँ माँ मैं बोल रही थी कि मेरे पढ़ाई, हे भगवान मैंने कढ़ाई पे सब्जी रखी थी जल जाएगी, मैं अभी आई, तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आई। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं, मैं सोनाली का फोन लगाती हूँ। हाँ हेलो सोनाली। हाँ हाँ पूजा बोल। तेरी कितनी पढ़ाई होगी? यार ना बायो के एक दो चैप्टर्स थोड़े करने हैं और फिजिक्स की थोड़ी रिवीजन, बाकी तो ऑलमोस्ट हो ही गया है यार। तेरा कितना हुआ है पूजा? मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है यार, मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, मैंने किताब, जैसे मैं किताब खोल रही वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएगी। यार तू मेरी हेल्प कर दे यार, मैं क्या करूँ यार, तू मेरी हेल्प कर दे। अरे अरे पूजा शांत हो जा, पूजा शांत हो जा, पैनिक होने से क्या होने वाला है यार, अभी अभी एग्जाम्स में बस 4 दिन बचे हैं यार, इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स लाइक डू और डाई ठीक है, तो कर ले अब जितना हो रहा है। और ठीक है ना यार, अगर नहीं भी हुआ तो सबका थोड़ी होता है मेडिकल, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर लेना ठीक है। अभी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सारा पढ़ना है यार, बाय बाय बाय। अगले साल फिर से
नहीं 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 फिजिक्स पढ़ती हूँ, हाँ फिजिक्स पढ़ती हूँ, हाँ जीतू को फोन लगाती हूँ। हेलो जीतू। हाँ हेलो जीतू, तुम मुझे मॉडल फिजिक्स समझा दोगे क्या? मुझे आता है मुझे, लेकिन तुम अपने तरीके से ब्रीफ में समझा दोगे ना तो मेरी हेल्प हो जाएगी। पूजा, दिस इज अ बिग पोर्शन, हाउ कैन हेल्प यू राइट नाउ? मैंने खुद का कुछ नहीं हुआ है, मैंने किताबें भी हाथ तक नहीं लगाई अभी। तुम पहले बोलती तो मैं कुछ कर भी देता, वैसे भी ये लास्ट चांस है, तुम्हें सीरियसली पढ़ना चाहिए। ठीक है चल रखता हूँ मैं, बाय। अब मैं क्या करूँ, पढ़ती हूँ। अरे बेटा, हाँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो ना, रिमेम्बर तुम्हें नीट का कट ऑफ क्लियर करना है और उसके लिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, दिस इज योर लास्ट चांस, सो डोंट मिस इट, ओके? अब आराम से पढ़ो। पापा, हाँ सुनिए ना, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना पढ़ाई में, बेटे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, हाँ शर्मा जी, बहुत अच्छी बेटी पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ। नहीं नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई, नहीं नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई। मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता देती हूँ, मुझसे नहीं हो रही पढ़ाई। मम्मी पापा, मम्मी पापा, मैं नहीं पढ़ सकती है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। God promise, मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की पर मुझसे हो ही नहीं रही है। और सच में वैसे भी मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। I'm really sorry, मैं नहीं पढ़ सकती है। क्या बोल रही हो पूजा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ये सब तुम्हारे नाटक है, समझी ना? अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुई ना तो तुम घर पे ही बैठ ही रहो। तुम्हारी वो जो दोस्त सोनाली और जीतू है ना, वो तो अपने अपने मनपसंद कॉलेज निकल जाएंगे और तुम घर पे ही बैठी रहना। फिर हमें मत बोलना मम्मी नहीं हुआ, पापा नहीं हुआ, जो कुछ करना है वो अभी करो। हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी शादी होने तक मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। मत पढ़ो, मत करो पढ़ाई, फालतू में मेरे पैसे बर्बाद नहीं होंगे। और हाँ, नाच गाने में कोई करियर नहीं है बेटा, समझ गए? और एक तुम ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। माना कि फ्रस्ट्रेशन बोरिंग ये सभी के साथ होता है, लेकिन तुमसे तो इतना नहीं हुआ जा रहा है। हो जाएगा, कर लूंगी। हाँ सोनाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी हेल्प कर देगी। हाँ हेलो सोनाली, हेलो हेलो सोनाली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई यार, मेरा करियर तो बर्बाद हो जाएगा यार। अगर मेरी मम्मी अगर मेरा नीट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। यार पूजा शांत हो जा यार, क्या नाटक लगा रखा है तूने कब से? तू अकेली एग्जाम दे रही है क्या? तेरी अकेली की एग्जाम है, तेरी अकेली को टेंशन है, हम सबको स्ट्रेस है यार, हम तो तेरी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं ना पूजा। Stop making a big deal out of it, okay? ये normal है, सबके साथ होता है। रोना बंद कर और जाके पढ़, और मुझे कॉल मत करना, ठीक है? Bye. Normal है, normal है, सब normal है, normal है, हाँ, normal ही तो है, सब कुछ normal है, सब कुछ normal है। अरे ये तो सभी के साथ होता है। Normal life.
रिश्तेदार, ना दोस्त और ना ही खुद के माँ बाप क्यों करेंगे उनके लिए तो नॉर्मल है ना, उनके लिए नॉर्मल है। कोई नाजुक सी उम्र में कोई तुम्हें गलत तरीके से हाथ लगाए तो वो नॉर्मल है, कोई प्यार के बदले तुम्हारे शरीर के साथ खेलना चाहे तो वो नॉर्मल है, और करियर के नाम पर कोई तुम पर अपनी जिद अपनी मर्जी थोपे और तुम्हें ये एहसास दिलाए कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी बेकार है तो ये नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता मुझसे, लगता है ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन सारी चीजों की वजह मैं नहीं जानती और शायद कोई भी नहीं जानता इसकी वजह, लेकिन मुझसे सहन नहीं होता। क्यों नहीं समझते लोग उस दर्द को
जिस दर्द के कारण हजारों ने अपनी जान गवाई है। ना दिल है बसने ना दिमाग ठिकाने पर, मैं किस किस को संभालू। मौत को हर रोज करीब से देखती थी, क्यों ना आज उसे गले से लगा लूं। मैं जा रही हूं माँ पापा, मुझे माफ करना। मेरे जाने के बाद मुझे कम याद करना। नहीं बन सकी मैं अच्छी बेटी, ये मेरी खता है। वजह मेरे जाने की बस मुझे ही पता है। अलविदा। पापा मैं यहाँ हूँ। अरे मैंने भी यहाँ। पकड़ो पापा मुझे पकड़ो। सबीना सरवर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। संतोष राणा, पिंपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र से। केतकी निंबाळकर, प्राधिकरण पुणे से। चंचल चौधरी, मलकापुर महाराष्ट्र से। अभिषेक कुमार राज, पूर्णिया बिहार से। विशाल काशिद, अहमदनगर महाराष्ट्र से। विशाल कबाड़गी, हड़पसर पुणे से। हिमांशु शेखर, जमशेदपुर झारखंड से। ऋषभ सरवटे, म्यूजिक पुणे महाराष्ट्र से। तो दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, द शो मस्ट गो ऑन। कोई रहे या ना रहे, ये दुनिया तो चलती रहती है। लेकिन इन सारी घटनाओं से हमें ये सीख ले लेनी चाहिए कि हमें और संवेदनशील होने की जरूरत है। हंसी मजाक, शरारत, मस्ती और प्यार से अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों को बांधे रखें। आइए निकल पड़ते हैं एक सकारात्मक दिशा की ओर। सब मिलकर करते हैं पहल। स्वतंत्र थिएटर के इस रंगे दास्ता में कल फिर मुलाकात होगी, ठीक 8:30 बजे स्वतंत्र थिएटर के फेसबुक पेज पर मिलेंगे लाइव एक नए नाटक जिंदा फ्रेम के साथ। त
तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, बहुत बहुत धन्यवाद।